नमस्कार, कैसे हैं आप। मोदी विरोधी तमाम राजनीतिक नेता, क्षेत्रीय छत्रप, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी अक्सर प्रधानमंत्री मोदी पर जांच एजेंसियों के द्वारा विरोधियों को परेशान करने का आरोप लगाती है, भ्रष्टाचार में उन्हें फंसाने का आरोप लगाती है। कई बार विपक्ष इस नाम पर एक भी होती है तो कई बार आपस में ही टकरा जाती है। सिसोदिया को की गिरफ्तारी के बाद केजरी ने ये संगठन बनाया तो भ्रष्टाचार के नाम पर बनी राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से शुरू हुई थी, जो लालू, मुलायम, ममता बनर्जी, चिदंबरम सबके खिलाफ बवाल काटा, अब केजरी उसी सब भ्रष्ट लोगों के साथ मिलकर मोदी पर हमलावर रुख अख्तियार कर रहे हैं। केजरी जो कहते थे कि सब मिले हुए हैं जी, वो अब भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं, उन पर मीडिया में हमलावर हो रहे हैं। लेकिन जो काम प्रधानमंत्री मोदी करते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपने सो कॉल्ड विरोधियों पर लगाम कसने के लिए, वही काम कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार क्यों नहीं करती अपने विरोधियों के खिलाफ, रमन सिंह के भ्रष्टाचार के को लेकर के, वही काम नीतीश कुमार बिहार के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं करते, वही काम पंजाब में भगवंत मान अपने विरोधी कांग्रेस, भाजपा या अकालियों के खिलाफ क्यों नहीं करती, वही काम राजस्थान में अशोक गहलोत, भाजपा विरोधी भाजपा के वसुंधरा राजे और दूसरे नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं करते, वही काम तमिलनाडु में स्टालिन क्यों नहीं करते, वही काम केरल में वामपंथी सरकार क्यों नहीं करती कि विरोधी दल के भ्रष्ट नेताओं पर अंकुश कसा जा सके, उनके खिलाफ राज्य तंत्र से कार्रवाई करके भ्रष्ट लोगों से पैसे छीने जा सकें, वही काम टीआरएस वाले चंद्रशेखर राव क्यों नहीं करते, वही काम लगातार लंबे समय तक बेमेल गठबंधन रहे महाआघाड़ी वाले जो उत्पात मचाते रहे, उसने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। इन तमाम राज्यों के जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, ये मोदी की तरह अपनी सरकार के माध्यम से भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करके उनसे पैसे क्यों नहीं छीन लेती, अपने अपने राज्य में माफियाओं से पैसे क्यों नहीं छीनती जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अरबों की संपत्ति योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं से छीने हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के गुर्गों की संपत्ति नष्ट कर दी उनकी, उनके अरबों के कोठियों को मिट्टी में मिला दिया और उनके पास से अरबों रुपए छीन करके राज्य कोष में जमा कर दिया। यदि मोदी और योगी इस काम से अपने विरोधियों को परेशान करते हैं तो जनता खुश होती है कि भ्रष्ट लोगों से पैसे छीन करके इस देश की सत्ता, राजकोष में पैसे जमा करके देश का विकास कर रही है। यदि नीतीश कुमार यही काम करें, बिहार के माफियाओं पर नियंत्रण करना शुरू कर दें, उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ करके उनसे संपत्ति छीन करके राजकोष में जमा करें, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरह आम आदमी का भरोसा भी बिहार पर जगेगा और राजकोष में पैसा भी आएगा, फिर उत्तर प्रदेश की तरह डेवलपमेंट भी होगा। पंजाब में जो आतंकवाद के पोषक बने हुए हैं भगवंत मान, यदि अकाली नेता जिन्होंने पिछले सालों भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करे तो राजकोष में पैसा भी आएगा और जनता का भरोसा भी, क्योंकि जनता तो इस चीज़ से, भ्रष्ट नेताओं के ऊपर कार्रवाई से जनता हमेशा खुश होती है। तो फिर शाम को टुल हो जाने वाले अशोक गहलोत अपने विरोधियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए, क्यों वसुंधरा राजे के दौर में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, क्यों इस सब तमाम चीजों में ठाकरे चूक गए, अपने आका
से कुछ सीखा नहीं। महाराष्ट्र में सरकार महाघारी की रही, बहुतों को परेशान किया, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश क्यों नहीं लगाया? देश की जनता यही सब चीज देख रही है। विपक्ष को अवसर है, राहुल गांधी जो विदेश में जाकर प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर हमलावर रुख अख्तियार करते हैं, यदि अपने कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अच्छा कुछ किया होता, या अभी मौका है कर लेते। पंजाब में मौका क्यों गंवा दिया? पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उसे भी गंवा दिया। हिमाचल में नई सरकार बनी है, कांग्रेस चाहे तो उदाहरण पेश कर सकती है। अभी हाल ही में जो भाजपा की सरकार वहां से गई है, उसने यदि भ्रष्टाचार किया है तो उस पर नियंत्रण करे, उनके पैसे उनके अंतरी से निकाल करके राजकोष में जमा करे। दरअसल इसके लिए नैतिक बल की जरूरत होती है, और कोई ईमानदार सत्ता ही इस तरह का एक्शन ले सकती है। भ्रष्ट और बेईमान सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग ऐसा नहीं कर सकते। जनता को ये बहुत अच्छा लगेगा, इसी में जनता का फायदा है, इसीलिए जनता मोदी की जय जय कर रही है। और अवसर राज्य सरकारों के पास है। नीतीश का बिहार, ये बिहार में ममता बनर्जी छूटी जा रही थी। ममता बनर्जी सालों से बंगाल की सत्ता पर है, क्यों नहीं वामपंथियों के भ्रष्टाचार पर एक्शन लेती हैं? क्यों नहीं लूटे हुए उन बेईमानों को अपने गिरफ्त में लेती हैं? सिर्फ मोदी पर हल्ला बोलने से जनता भी धीरे धीरे समझ गई है कि ये सब नख दंत विहीन हैं और ये अब इस देश का भला नहीं कर सकते। अच्छा होता कि क्षेत्रीय छत्रप जहां जिनकी सरकार है वो भ्रष्ट नेताओं पर, माफियाओं पर अंकुश लगाती, उनसे पैसे छीनकर राजकोष में जमा होता, फिर उत्तर प्रदेश की तरह उनके राज्य की तकदीर बदलती। लेकिन सिर्फ मोदी पर हमला के नाम पर चोर चोर मौसेरे भाई जब बनते हैं ये, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे के नाम पर जब एक होते हैं, जिस केजरी ने कहा था सब मिले हुए हैं जी, वे बेईमानों की टोली जब एक साथ आती है तो जनता का मोदी पर, योगी पर भरोसा और बढ़ जाता है। काश ऐसा हो पाता कि जैसे मोदी भ्रष्टाचारियों पर, योगी भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेते हैं, राज्यों की क्षेत्रीय छत्र भी ये काम कर पाती। लेकिन इसके लिए उनका खुद भ्रष्टाचार विहीन होना जरूरी है। जब सत्ता में लगी ममता बनर्जी के भतीजे लूट मचा रहे हों, जब भ्रष्टाचार में लिप्त राज्य की अशोक गहलोत की सरकार पर आरोप लगे हों, जब अपनी ही सरकार में लूट मचाने का आरोप भूपेश बघेल को उनके सेक्रेटरी के माध्यम से लग रहा हो, तो फिर इसकी उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती। और जब इनसे उम्मीद नहीं होती है तो जनता को सब समझ में आता है, क्योंकि जनता है कि सब कुछ जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।